असलामुअलैकुम किड्स, आज हम फिर से यहाँ आए हैं आपको पढ़ाने के लिए। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको क्लास टू की साइंस। सबसे पहले हम लोग बुक ओपन करेंगे, मतलब आप लोग भी बुक मेरे साथ साथ ओपन करेंगे। सो ओपन अप द कंटेंट्स पेज यूनिट वन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट वन। ओके, टाइटल है इसका लिविंग थिंग्स एनिमल। जैसे कि आप लोग को पता है कि लिविंग थिंग्स में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। मतलब कि एनिमल्स की अलग कैटेगरी होती है, प्लांट्स की अलग कैटेगरी होती है, और ह्यूमंस की है जो अलग कैटेगरी होती है। तो आज हम लोग लिविंग थिंग्स जो है वो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स क्या होता है? जानवर होते हैं। क्या होते हैं? जानवर। सो किड्स, कम ऑन द पेज नंबर वन। लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट वन, लिविंग थिंग्स एनिमल्स। रीड विथ मी, लिविंग थिंग्स एनिमल। आपका पहला पहला टॉपिक है एनिमल्स बॉडी कवरिंग्स। मतलब के जो जानवर होते हैं उनकी बॉडी को कवर करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो, मतलब के आप देख लें कि तोता होता है, अगर उसके पर ना हो तो क्या वो सेफ रहेगा? मतलब कि ये चीज़ें तो उनको महफूज करने के लिए और हिफाजत में रखने के लिए होती है ना। अगर मछली में स्केल्स ना हो तो क्या वो रहेगी? या आप हमें ही देख लें कि अगर हमारे ऊपर ही स्किन ना हो तो हम लोग कैसे दिखेंगे? इमेजिन करें हम लोग कैसे दिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा। देयर आर मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमें पता है, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, पैरट हो गया, फिश हो गई। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमें पता है, ठीक है। एंड देन डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग टू प्रोटेक्ट देम। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग्स टू प्रोटेक्ट देम। मतलब के हर 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 जो जानवर होता है उसके उसकी जो बॉडी कवरिंग होती है ना, उसको बॉडी को कवर करने के लिए। अब देखें जैसे कि ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, और ये हम ये वाली बुक ले लेते हैं, ये वाली बुक है, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका कवर लगाया गया है, देखें। तो ऐसे ही जो जानवर होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो होती हैं उनकी कवरिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद आप एक्टिविटी वन करेंगे। यू हैव टू शो होमवर्क हियर, HW, ठीक है। बोल रहा है कि इन द पिक्चर ऑन द राइट कलर द फीदर ग्रीन। मतलब कि आपके सीधे हाथ पे जो पिक्चर है उसके जो तोते के जो पर होते हैं वो ग्रीन होते हैं ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसके जो परों को है वो आप लोग कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर। लेट मी शो यू, ये है ग्रीन कलर। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, बाकी सारा आपको खुद करना है, ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आपको एक्टिविटी टू पे आना है, एंड यू हैव टू ऑल्सो शो हेयर HW, एंड यू हैव टू कलर द स्केल्स। आपको पता है ये जो स्केल्स नज़र आ रही हैं आपको, ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, मतलब इनको हिफाजत में रखने के लिए होती हैं, ताकि इनको चोट ना लगे और ये जो है वो ख़ुद को जो है वो महफूज रख सकें, ठीक है। तो हम लोग कौन सा कलर उठाएं? येलो कलर उठा लेते हैं, ठीक है। यू हैव टू कलर इट येलो। थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। एंड नीट और क्लीन काम होना चाहिए। अब क्लास टू के बच्चे, आपको कलरिंग भी आती है और आपको राइटिंग भी आती है, तो आपको बार बार बताने की ज़रूरत वीडियो में नहीं पड़ेगी कि आपको जो है वो नीट और क्लीन काम करना है। ओके, नाउ कम ऑन द पेज नंबर टू, लेट्स रीड द सेकेंड पैराग्राफ। एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। जो जानवर होते हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जैसे ये है और ये, दोनों सेम नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग जानवर हैं, ठीक है।
Some animals have feather on their bodies. जो कुछ एनिमल होते हैं उनके जो बॉडी पे होते हैं वो पर होते हैं, जैसे कौवा हो गया, तोता हो गया, चिड़िया हो गई, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती हैं, पर होते हैं उनके. लाइक पैरट, जैसे तोता, पिजन मतलब के कबूतर, एंड स्पैरो मतलब के चिड़िया. इन तीनों के जो बॉडी पे होते हैं क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं. और फीदर का मतलब पता है क्या होता है, पर होता है. पर आपको पढ़ाया भी हुआ है कि फीदर्स का मतलब क्या होता है, पर होता है. दीज फीदर्स कीप देम वार्म एंड ड्राई. जो ये पर होते हैं वो उनको गर्म रखते हैं. ठीक है, अब सर्दी का मौसम है, अगर आप कुछ नहीं ओढ़ेंगे तो आपको सर्दी तो लगेगी और आप ठंड से जो है वो ठंड लगेगी आपको, तो हम क्या करेंगे, तो इनके पास क्या होता है, पर होते हैं इनको गर्म रखने के लिए. सम एनिमल्स हैव हार्ड शेल और स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, मतलब कि कुछ जानवरों के जानवर की बॉडी पे हार्ड शेल होता है. अब आप इस टर्टल को देखें, कछुए को अगर आप मारेंगे तो वो अंदर चला जाता है. क्यों अंदर चला जाता है, और इसका ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है क्योंकि अगर इसको कोई मारे तो उसको लगे ना. ठीक है, लाइक फिश, क्रोकोडाइल एंड टर्टल. फिश, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, ये रहा, यू कैन सी दैट, एंड टर्टल कछुआ. दे प्रोटेक्ट एनिमल्स बॉडी, ये क्या करते हैं, इनको महफूज रखते हैं किसी चोट लगने से. या वैसे क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको तो पता नहीं होता, वो पत्थर उठा के मार देते हैं तो वो उनको नहीं लगता. क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनकी जो बॉडी के ऊपर है ना वो कवरिंग होती है, वो उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. प्रोटेक्ट का मतलब जो है वो मतलब कि महफूज रखती है उसे. सम एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज लाइक हॉर्सेस, कैट्स एंड गॉट्स. अब हॉर्स तो हमने देखा है, हमने कैट भी देखी है, हमने गोट भी देखी है. उनके जो जिस्म पर बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं जो उनको गर्म रखते हैं. ठीक है, अब मैं आपको ये इनमें से कुछ बताऊंगी और कुछ आप क्या अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि ये क्या है. ठीक है, जैसे कैट हो गया, कैट के जिस्म पर क्या होते हैं, बाल होते हैं. पैरेट्स के जिस्म पर क्या होते हैं, फीदर होते हैं. लायंस के भी क्या होते हैं, हेयर होते हैं. और काऊ के भी हेयर, लायन मतलब शेर और काऊ मतलब गाय. और ये गोट, गोट तो आपके घर में होती है, आप सारे चेक करिएगा जाके, अगर आपको कहीं गोट मिल जाए ना तो आप उसको हाथ लगा के देखिएगा कि उनके जो जिस्म पे होते हैं ना वो बाल होते हैं जो उनको गर्म रखते हैं. ठीक है, और आप इमेजिन करें अगर इनके ऊपर बाल ना हो तो ये लोग कैसे दिखेंगे, फनी फनी है ना. नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 3, एंड देन वी हैव सेकेंड टॉपिक, एनिमल्स एंड देयर फूड. एनिमल्स और उनका खाना, जाहिर सी बात है अब जो एनिमल्स होते हैं उनका अलग अलग खाना होता है. जैसे शेर हो गया, अगर वो गोश्त खाता है तो वो जो है वो ग्रास नहीं खा सकता. ठीक है, जैसे गाय है वो ग्रास खाती है लेकिन वो गोश्त नहीं खा सकती. तो हर जो जानवर है उसका जो है वो अलग अलग फूड होता है जो उनको खाना पसंद होता है. डिफरेंट एनिमल्स, मेरे साथ पढ़िएगा, Different animals eat different type of food. जो अलग तरह के animals होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग foods खाते हैं. Goat and cows eat grass. जो बकरियाँ और जो गाय होती है वो क्या खाती हैं, घास खाती हैं. Fish eat smaller fish and seaweed. जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना दरिया में वो खाती हैं, और छोटी मछलियाँ. पैरट्स ईट फ्रूट. अब आपके घर में अगर पैरट है, तोता, अगर आप उसको कोई फ्रूट दे दें या टोमेटो देते हैं, यूजुअली वो टोमेटो खाते हैं तो वो खा लेते हैं ना. एलिफेंट्स ईट ग्रास एंड शुगर कैन. एलिफेंट जो है वो घास भी खाते हैं और शुगर कैन भी खाते हैं. शुगर कैन गन्ना बोलते हैं उसको, मतलब कि जिसका जूस बाहर बाजारों में मिलता है वो हमें निकाल के देते हैं ना, तो वो शुगर कैन खाता है. अब ये देखें, दिखा रहे हैं आपको कि ये जो एलिफेंट है वो घास खा रहा है. ठीक है, जो कैट है वो मिल्क पी रही है, जो गाय है वो ग्रास खा रही है, और जो ये लायन है वो क्या खा रहा है, मीट खा रहा है. इसके मुंह में देखें मीट नज़र आ रहा है ना आपको, ये रहा, ये मीट खा रहा है. तो इससे क्या पता चला कि हर जो जानवर है वो उसकी अलग अलग ग़िज़ा होती है. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4. ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी 1 थी, ये एक्टिविटी 2, एंड पेज नंबर 4 पे आपकी एक्टिविटी 3 करनी है आपको.
टेक द पेंसिल, मेरे साथ पेंसिल उठाइए एंड शो द होमवर्क लाइक दैट। उसके बाद हम एक्टिविटी 3 पढ़ के मैं आपको बताऊंगी, आपको मेरे साथ साथ काम करना है। यू हैव टू टेक द स्केल लाइक दैट, मैच द एनिमल्स विद द फूड दे ईट। अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि जो मैं एनिमल्स हैं वो क्या क्या फूड खाते हैं, तो अब आपको तो पता चल गया होगा ना कि कौन सा एनिमल कौन सा फूड खाता है। ठीक है, ये एनिमल्स के नाम हैं और दीज आर द नेम ऑफ फूड्स। अब मुझे बताएं कि जो लायन है वो कौन सा मीट खाता है, कौन सा जो है वो गिज़ा खाता है, ग्रास? नहीं, ग्रास तो नहीं खाता ना। घास कभी आपने लायन को खाते, शेर को कभी घास खाते हुए देखा है? कभी उसको फ्रूट खाते हुए देखा है? मीट का मतलब होता है गोश्त, तो लायन क्या खाता है? मीट खाता है। मैच है, वेरी नाइस। काओ, काओ क्या खाती है? काओ क्या खाती है? काओ ग्रास खाती है। क्या खाती है? ग्रास। केट क्या खाती है? केट मीट और मिल्क खाती है, मतलब कि गोश्त भी खाती है और दूध भी पीती है। पैरट क्या खाता है? फ्रूट एंड ग्रीन चिलीज। ठीक है, मिर्ची भी कभी आप अपने तोते को दीजिएगा ना तो वो खा के दिखाएगा आपको। एलिफेंट क्या खाता है? गन्ना यानी शुगर कैन। यू हैव टू मैच हियर। एंड देन फिश क्या खाती है? सीवीड खाती है और स्मॉल फिश खाती है, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। एनिमल्स और जानवर और उनकी निकालने वाली आवाज़ें। अब हर जानवर की अपनी अपनी आवाज़ होती है, जैसे बिल्ली कैसे करती है? म्याऊ। कैसे करती है? म्याऊ करती है ना बिल्ली। और हर किसी की अपनी अपनी आवाज़ें होती हैं भाई, जैसे जो है मुर्गी वो कैसे करती है? कुकड़ू करती है। तो मियाँ और कुकड़ू की एक जैसी आवाज़ें नहीं हैं, दोनों अलग अलग आवाज़ें हैं। तो हर जो जानवर की होती हैं वो आवाज़ें अलग अलग होती हैं। हम इधर पढ़ेंगे कि कौन सा जानवर कौन सी आवाज़ निकालता है। ऑल एनिमल्स, मेरे साथ पढ़िए, ऑल एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड्स। सम आर लाउड लाइक द डॉग्स बार्क। जो कुत्ते भौंकते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है ना। लायंस रोर, लायन जो है वो रोर करता है, दहाड़ता है। एंड कैट्स मियाओ, कैट क्या करती है? मियाओ करती है। सम आर सॉफ्ट लाइक द बर्ड दैट चिप्स और ट्वीट। मतलब कि कुछ जानवर की आवाज़ बहुत हल्की होती है, जैसे चिड़िया की आवाज़ होती है बहुत हल्की सी होती है, वो सुनाई भी नहीं देती। और जैसे कोयल की आवाज़ होती है वो बहुत अच्छी आवाज़ होती है और बहुत सॉफ्ट सी आवाज़ होती है ना, इसीलिए। जैसे जिराफ आर यूजली साइलेंट बट दे विसल व्हेन दे कॉल देयर यंग वंस। जो जिराफ होते हैं वो लंबा सा एक जानवर होता है ना, जिराफ उसको बोलते हैं। ठीक है, वो कोई आवाज़ नहीं निकालता, लेकिन जब उसको अपने किसी छोटे या अपने किसी साथी को बुलाना होता है ना तो वो सीटी मारता है। अब सीटी तो मैं आपको बजा नहीं सकती, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा सीटी कैसे बजाई जाती है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाएंगे एक्टिविटी 4 पे। यू हैव टू शो द होमवर्क एंड देन आप साउंड क्या करेंगे? मैच करेंगे। ये आपको जो एक्टिविटी है वो मैं नहीं करवाऊंगी, ये आपको खुद करनी है। ठीक है, बिल्कुल आपको खुद करनी है। किसी से पूछें कि बर्ड क्या आवाज़ निकालता है, कैट क्या निकालती है, जिराफ क्या निकालता है, काओ क्या निकालती है और फ्रॉग क्या निकालता है। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 5, हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। मतलब कि जहाँ जानवर रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम अपने घरों में रहते हैं ना। अगर हमारे पास घर ना हो तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हैबिटेट का मतलब होता है उस जगह पे रहना, और हर जानवर अलग अलग जगह पे रहता है। जैसे मछली है वो पानी में रहती है, जैसे ऊँट है वो सहरा में रहता है, जैसे एलिफेंट है वो जंगल में रहता है, और जैसे तोता है वो अपना नेस्ट बनाता है, जो अपना घोंसला बनाता है, और सारे जो परिंदे हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं। तो अलग अलग जगहें होती हैं, हैबिटेट उनको कहा जाता है जहाँ पे वो रह रहे हों। एवरी लिविंग थिंग नीड्स अ सुइटेबल एनवायरमेंट टू लिव इन। अ प्लेस वेयर डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इज नोन एज देयर हैबिटेट। इसमें ये बता रहा है, इसका मतलब ये है कि हर जानदार को एक मखसूस जगह चाहिए होती है रहने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स
लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. हर जानवर का एक अलग अलग हैबिटेट होता है, मतलब हर जानवर एक अलग जगह पे रहता है. सम एनिमल लिव ऑन लैंड लाइक एलिफेंट, हॉर्सेस, लाइंस, डॉग, कैट्स एंड कैमल्स. मतलब कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, लाइन हो गया और बिल्लियाँ हो गई. वो ज़मीन पे रहती हैं ना, वो पानी में तो नहीं रहती. सम एनिमल्स लिव इन वाटर, मतलब कि कुछ जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं. ठीक है, जैसे कि फिश हो गई, प्रॉन हो गए. अब प्रॉन किसको बोलते हैं? प्रॉन वो जो झींगा होता है ना छोटा छोटा, उसको बोलते हैं. सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर लाइक फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल. मतलब कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, मेंढक, वो पानी में भी रहता है ना और वो खुश्की में भी रहता है, दोनों पे रह सकते हैं. ठीक है, सम हैबिटेट्स आर, आपको अभी इनमें से कुछ हम हैबिटेट्स बताएंगे कि कौन कहाँ कहाँ रहता है. डेजर्ट, सहरा, जहाँ पे कुछ नहीं होता, पानी नहीं होता, मतलब कि कुछ भी नहीं होता, बहुत गर्मी होती है. इट इज़ वेरी ड्राई एंड हॉट एरिया, मतलब कि बहुत ड्राई होता है और बहुत गर्मी होती है वहाँ. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो देयर. अ कैमल लिव्स इन अ डेजर्ट, ही हैज़ हम्प टू स्टोर वाटर एंड फ्लैट फीट टू वॉक ऑन द सैंड. मतलब कि जो वहाँ पे जो डेजर्ट में प्लांट नहीं होते क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता, और पौधों के लिए आपको पता है कि पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो बहुत मुश्किल होता है पौधों का वहाँ उगना. इसीलिए वहाँ पे सिर्फ एक जानवर सरवाइव कर सकता है, वो है कैमल, मतलब के ऊंट. ठीक है, ये आप उसका हम्प देखें, ये इसमें अपना खाना और पानी स्टोर कर देता है तो वो सरवाइव कर लेता है. मतलब कि अगर उसको एनर्जी चाहिए होती है तो वो यहाँ से गेन कर लेता है. नेक्स्ट पे आएंगे फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज़ एन एरिया विच हैज़ मैनी ट्रीज ग्रोइंग क्लोजर टुगेदर. वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लाइन, फॉक्सेस एंड वुल्व्स आर फाउंड हेयर. मतलब कि जो फॉरेस्ट का एरिया है वो क्या है, जंगल होता है एक. ठीक है, वहाँ जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, लाइन्स रहते हैं. लाइन्स और टाइगर्स हमारे शहरों में तो नहीं होते, वो तो जंगलों में होते हैं, वहाँ से पकड़ के लाके ज़ू में रखते हैं. और इसीलिए तो बोलते हैं कि रात को जंगलों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं. नेक्स्ट में आएंगे लेक्स, रिवर्स, सी. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड डक्स लिव इन अ फ्रेश वाटर ऑफ लेक एंड रिवर्स. देयर आर क्रोकोडाइल्स एंड क्रैब्स विच लिव बोथ ऑन अ लैंड एंड वाटर. ऑक्टोपस, फिशेस एंड व्हेल्स लिव इन सी वाटर. अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी जानवर होते हैं जो दो जगहों पे रह सकते हैं, यानी कि क्रोकोडाइल हो गया या क्रैब हो गया या फ्रॉग हो गया. ठीक है, और डक्स होते हैं, वो पानी में भी रह सकती हैं और खुश्की में भी रह सकती हैं. लेकिन फिश नहीं रह सकती खुश्की में, क्योंकि अगर उनको, वो बोलते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा तो डर जाएगी, पानी से निकालो तो मर जाएगी, तो वो मर ही जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 6. एक्टिविटी 5, ये भी आपको यहाँ पे होमवर्क शो करना है. मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये एक्टिविटी कैसे करनी है. फाइंड आउट वेयर दीज एनिमल्स लिव बाय ड्राइंग लाइन टू देयर होम्स. यूज़ अ ब्लू पेंसिल फॉर वाटर एनिमल्स, यूज़ अ ब्राउन पेंसिल फॉर रेड एनिमल्स, यूज़ अ ब्लैक पेंसिल फॉर दोज एनिमल्स दैट लिव बोथ एंड लैंड इन वाटर. मतलब कि हमें बताना है कि जो पानी में रहने वाली चीज़ें हैं उनको हमें ब्लू लाइन से उसको मैच करना है, जो लैंड पे रहने वाली चीज़ें हैं उसको ब्राउन से, और जो दोनों चीज़ें हैं रहने वाली उसको हमें क्या करना है, पेंसिल से करना है. तो ये हमारे पास पेंसिल आ गई और दिस इज़ द ब्राउन कलर एंड दैट इज़ द ब्लू कलर. डन. ये लैंड है, ये वाटर है और ये लैंड एंड वाटर है. तो जो कैमल है वो कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है. तो हमें लैंड पे कौन सा करना है, ब्राउन पेंसिल यूज़ करनी है, दैट इज़ द लैंड. ठीक है, कैट है वो भी लैंड पे रहती है, और हॉर्स है वो भी लैंड पे रहता है, और जो डॉग है वो भी लैंड पे रहता है. ठीक है, कैसे इसको, एंड
जो जेब्रा है वो भी लैंड पे रहता है, सारे तो लैंड पे रहते हैं, और जो एलिफेंट है वो भी लैंड पे रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्लू पेंसिल उठाएंगे, जो क्रैब है वो कहाँ रहता है, वो दोनों जगह पे रह सकता है, तो हम लोग पेंसिल उठाएंगे। डक भी दोनों जगह पे रहती है और जो क्रैब भी है वो दोनों जगह पे रहता है। डन विद दिस एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, होम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब कि हम लोग उनके घर बताएंगे कि जानवर और परिंदे वो कहाँ रहते हैं। सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन होम्स, बर्ड मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज, रैबिट मेक देयर ब्यूरोज इन द ग्राउंड, बी मेक्स देयर हाइव, सम एनिमल्स लिव इन द होल्स इन द ग्राउंड लाइक स्नेक एंड रैट्स, मतलब कि जो जानवर है वो अपने घर खुद बनाते हैं, जैसे कि चिड़िया हो गई वो दरख्त पे अपना घोंसला बनाती है, नहीं बनाती, जिसने अंडे देती है ना। आप लोग एक दफा जाके चेक करिएगा कि आपको कहीं घोंसला मिला या नहीं मिला। जैसे रैबिट होता है वो नीचे खोदता जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बी है, हनी बी, वो छत्ते में रहती है, वो अपना घर खुद ही बनाती है ना, वो छत्ता खुद ही बनाती है, पहले छोटा सा होता है फिर वो इतना बड़ा हो जाता है जिसमें से हम लोग शहद होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 7 पे, सम एनिमल्स लिव्स इन द केव कॉल्ड डेंस लाइक लायंस एंड बियर, कार केप्ट इन द बार्न एंड हॉर्सेस इन स्टेबल, मतलब हम लोग इन जो गाय है उनको घरों में रख सकते हैं क्योंकि ये जंगली नहीं होते, ठीक है। एक्टिविटी 6 पे आ जाएंगे, मैच द फॉलोइंग, हमें ये बताना है कि कौन से जो जानवर है वो, जो हमें बताना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो कहाँ कहाँ रहती हैं, ठीक है। यू हैव टू टेक अ पेंसिल, यू हैव टू राइट होमवर्क। अब मेरे साथ स्केल उठा लीजिए, अ हॉट एंड ड्राई एरिया क्या होता है, ब्यूरो होता है, लेक होता है, हाइव होता है, डेजर्ट, जैसे सहरा, सहरा मैंने आपको बताया था ना कि गर्म होता है, तो जो गर्म एरिया होता है वो क्या होता है, डेजर्ट होता है। एन एरिया वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे जहाँ पे दरख्त हो वो क्या होता है, वो जंगल होता है, एंड जंगल मीन्स फॉरेस्ट, यू हैव टू मैच इट हियर लाइक दैट, दिख रहा है ना। अब आप मेरे साथ साथ काम करते जाइए वरना आपका सारा काम रह जाएगा। सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, झील से आता है, लेक्स। अ होल मेड इन द ग्राउंड बाय रैबिट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि रैबिट्स जो है वो नीचे खड्डा बनाते हैं और उसमें रहते हैं, और उस खड्डे को क्या बोलते हैं, ब्यूरो बोलते हैं। और जो हनी बीज हैं वो छत्ता बनाती हैं और छत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं हाइव, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक्टिविटी करनी है, तो आपको ये वाले पेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। यू हैव टू जस्ट मार्जिन दिस लाइन, ओके। अब यहाँ पे हमको ये वाली एक्टिविटी, आप एक्टिविटी 7 शो कर दें, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जो परिंदे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मैंने कुछ परिंदों की पिक्चर्स कलेक्ट की हैं, लेकिन मैं जो आपको दिखाऊंगी वो आपको नहीं लगानी है, आपको कुछ और लगाना है, ठीक है। ये रोस्टर हो गया, ये परिंदा है मुर्गी, ठीक है। पैरट हो गया, आउल हो गया, ठीक है। ऐसे 3 पिक्चर्स आपको ऐसे लगा देनी है, पेस्ट करनी है, ठीक है। मेरे पास ग्लू भी है, पिक्चर में आपको पेस्ट भी करके दिखाती हूँ कि कैसे करनी है पेस्ट, जस्ट लाइक दैट। हो गई, ठीक है, हो गई है पेस्ट। अब ऐसे ही आप दूसरी एक्टिविटी पे आ जाएंगे, एक्टिविटी 7। यहाँ पे नंबर एक्टिविटी का शो करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होंगे। एक्टिविटी 8 में बोल रहा है कि ड्रॉ और कलेक्ट अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स एंड राइट विच एनिमल्स लिव देयर, पेस्ट देम इन योर नोटबुक। अब आपकी नोटबुक आपके पास आ गई है, ठीक है। अब आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, ठीक है, क्या के क्या क्या आपको जो है वो उनके घर और जो जानवर हैं उनके घर बनाने हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास फिश आ गई है, और ये कहाँ रहती है, ये रहती है पानी में, कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, क्या कहाँ रहती है, वाटर में, कहाँ रहती है, किड्स,
वाटर में रहती है. एंड देन ये है बर्ड, ये कहाँ रहता है? नेस्ट में. ये देखें घोंसला, मैंने आपको बोला था मैं आपको दिखाऊंगी. और ये है हनी बी, ये कहाँ रहती है? हाइव में, यानी अपने छत्ते में. ये राज का छत्ता. आपको यहाँ पे एक्टिविटी शो करनी है, एक्टिविटी ए, और ऐसे पेस्ट कर देना है, ठीक है? अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप पिक्चर्स बना भी सकते हैं, ठीक है? ये आपकी एक्टिविटी हो गई. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8. आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो आप हम लोग सवालों पे आएंगे, ठीक है? ये आपको सवाल और जवाब खुद करने हैं. मैं आपको सिर्फ एक सवाल करके बताऊंगी कि कैसे करना है. यू हैव टू ड्रॉ मार्जिन लाइन. सबसे पहला सवाल है, वाई डू, बिल्कुल नीट और क्लीन काम करना है आपको. वाई डू लाइक दैट एनिमल्स नीड बॉडी कवरिंग? के हम जो जानवर होते हैं वो, उनको बॉडी कवर करने की क्या ज़रूरत होती है, क्यों करते हैं वो लोग बॉडी कवर, ठीक है? यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे और आप अपनी ट्यूटर से बोलेंगे कि आपको वो आंसर इस चैप्टर में से ढूंढ के बताएगी. ये ट्रू फॉल्स आपको खुद करने हैं और ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको खुद ही करनी है. ये आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं कॉपी पे, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे आप जब आ जाएंगे ना, तो आपको ये कॉपी, नेक्स्ट पेज पे आके मार्जिन लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, फिर आप यहाँ से शुरू कर देंगे ऐसे. फिश आर फाउंड इन वाटर. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9. आपको यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं. जैसे वाइल्ड एनिमल जो जंगलों में रहते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम अपने घरों में भी रख सकते हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई और बकरी हो गई और हैन हो गया. इन सबको हम लोग क्या करते हैं, घरों में रहते हैं. तो आपको 3 पिक्चर्स बनानी है. मेरे पास पिक्चर्स हैं लेकिन मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगी. आप स्नेक को घर में नहीं रख सकते, जंगल में होता है, लेकिन आप गोट को घर में रख सकते हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है? ऐसे ही काम करना है. आपका चैप्टर हो गया फिनिश. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, हैप्पी ईद मुबारक. और अपना काम जो है वो बिल्कुल ध्यान से बैठ के करिएगा, जो जो आपको सिखाया गया है. अल्लाह हाफिज़.